जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यार में धोखा, सावधान हो जाइए। और ये विषय बहुत गंभीर विषय है, और ये विषय जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी इस तरह का वीडियो अभी नहीं सुना होगा आपने। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें, तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। प्यार कौन नहीं करता, हम आप सभी लोग प्यार करते हैं। तो उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। और दोस्तों, कुछ करें या ना करें, कमेंट्स में मेरे भोलेनाथ का नाम जरूर लिख देना, जो लिखना हो आपको, लेकिन भोलेनाथ का नाम जरूर लिखना, ये मेरी जिद है, जरूर लिखना है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यार में धोखा, सावधान हो जाइए। सबसे पहली बात कि जब भी आपको प्यार में धोखा मिलने वाला है, होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसके संकेत बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये स्वतः ही होती रहती है। सबसे पहली बात कि हमेशा प्यार में धोखे होने पर एक बात जो मैंने कॉमन तौर पर देखी है, जब मैं कंसल्ट पे बात होती है तो दो व्यक्तियों के बाद तीसरे व्यक्ति द्वारा कोई बात बताई जाना बढ़ा चढ़ा कर, ये एक बेसिक सा पहला फॉर्मूला है दोस्तों, जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और दो व्यक्तियों के बीच में दरार बनने की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जबरन की बात हो जाए। दूसरा बात होता है कि प्यार जो है आज़ादी है और एक बहुत अलग रंग है, वो जिस्मों का रिश्ता है नहीं, वो रूहों का रिश्ता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी दायरा है, जिसे हम छोटा समझ रहे हैं वो छोटा नहीं है। मिलना जुलना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये प्यार की श्रेणी में नहीं, वो एक अलग ही दुनिया होती है। तो उसमें आज़ादी होना चाहिए, दोनों की केयर तो होती है, आज़ादी होनी चाहिए, और दोनों के हितों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। अगर दोनों के हितों की सुरक्षा का अभाव दोनों में दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आने वाले दिनों में हम शायद साथ नहीं रह सकते और लॉन्ग टर्म तक नहीं ये रिश्ता चलेगा। तीसरी बात होती है सच, दोनों के बीच सच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ झूठ आया कि प्यार में आपको धोखे की संभावना हो जाएगी। और चौथी बात, जब भी कोई बात हो तो बैठ कर सेटलमेंट करें, खुद दो बात करके, और गुस्सा होकर चीज़ें नहीं, कभी भी चीज़ें होती है, अपना पक्ष रखें, दोनों पक्ष रखें, और जो भी उसका निचोड़ लगे बात को शॉर्ट आउट करें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इन दरमियान मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल सिर्फ इसी रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, प्यार में धोखा हो गया पंडित जी क्या करें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे बनाने के लिए। एक बात याद रखना, हमेशा सकारात्मक रहना। जय महाकाल।